सुख देव ही नाइन सुख को पार, ए रस इश्क सागर को अश्रुहे पीवे बारंबार, अर्ष रूहे पीवे बारंबार, ए सुख सागर पांचमा। परम धाम की आत्माओं के प्राणेश्वर, जब महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं तो अपने हृदय के सागरों को उड़ेल देते हैं महामती जी के धाम हृदय में, और परम धाम की अपनी ब्रह्मवाणी से उसका गुज रहस्य भी उजागर कर देते हैं जो आज दिन तक उन्होंने छिपा रखा था। पांचवा सागर पूरन गहरा गुज गंभीर, यह इश्क का सागर है। इसके पहले चार सागरों का वर्णन हो चुका है, नूर का सागर क्या है, नीर का सागर क्या है, क्षीर सागर क्या है, दधि सागर क्या है, पांचवा यह इश्क का सागर है। इश्क किस पर निर्भर है? निस्बत पर निर्भर है। निस्बत हक की जात है, निस्बत में ही इश्क, निस्बत वास्ते इलम इताया बेशक। अनादिकाल से परम धाम है, अनंत काल तक रहेगा। अनादिकाल से राज्य के इश्क की लीला होती रही है और अनंत काल तक होती रहेगी, लेकिन उसका लाभ किसको मिला? उस छाया की छाया जो इस कालमय के ब्रह्मांड में पड़ी, उससे संसार में लोगों ने इतना जाना कि परमात्मा केवल प्रेम से मिल सकता है। लेकिन प्रेम का, अनन्य प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? जो स्वलीला अद्वैत वैदत में होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। विभेद करने का तात्पर्य क्या है? एक प्रेम देने वाला होता है और एक प्रेम लेने वाला होता है। हम सुंदर साध्वी जब बाह्य धरातल पर खड़े होते हैं तो बार बार कहते हैं कि राज जी आप हमें अपना इश्क दीजिए, ना चाहूँ मैं बुजुर्गी ना चाहूँ खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपनों, मेरा यही से मुद्दा है, मुझे खुदा तो न बनाइए लेकिन इश्क दे दीजिए। लेकिन यह बात कब कही जाती है? प्रारंभिक अवस्था में। आगे बढ़ेंगे तो सिंधी में कहा जाएगा, इश्क मांगू तो भी गुनाह और खुदा ये भी गुनाह हो। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे प्रेम दे दीजिए ताकि मेरी आत्मा जागृत हो जाए तो कहीं गुनाह लगता है, क्योंकि स्वलीला अद्वैत में मैं कहाँ से खड़ा हो गया कि मैं आपसे इश्क मांगूं? यदि राज्य अक्षरातीत इश्क के सागर हैं तो आप क्या हैं? आप कोई भिखारी थोड़े हैं। कभी आपने सोचा है कि सागर की वाणी क्या कहती है? इसी सागर के निस्बत के सागर में आगे कहा जाएगा, उसकी अंतिम चौपाई है उसके पश्चात मेहर सागर शुरू होता है। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक में पियो फूल भर भर। निस्बत क्या है? इश्क का सागर है। निस्बत के अंदर अनंत इश्क का सागर है। जित निस्बत तित सब, यदि आपने अपने निस्बत की पहचान कर ली तो इश्क की आप में किसी तरह की कमी नहीं रह सकती है। आपके अंदर प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको अपनी निस्बत की पूरी पहचान नहीं हुई है। एक कट सत्य है, आपने पूरी वाणी का चिंतन कर लिया, पूरी वाणी आपको कंठस्थ भी हो गई, आप एक एक चौपाई की धारा प्रवाह घंटों व्याख्या भी कर सकती है, आपने राज्य को भी देख लिया, तो भी ये दावा आप नहीं कर सकते कि आपने निस्बत को पूरी तरह से पहचाना है। श्री देवचंद जी के तन से चर्चा हो रही है, आड़िका लीला उनके तन से हो रही है, सब सुंदर साथ उनको मान रहे हैं कि ये साक्षात राजी हैं, तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उन पर भी हंसी हो रही है कि निस्बत की मारिफत को उन्होंने भी नहीं पहचाना। यदि हम सुंदर साथ निस्बत की हकीकत को भी यथार्थ रूप से पहचान जाए तो भी हमारे जागृत होने में देर नहीं लगेगी।
श्रृंगार में एक चौपाई आती है जिसमें कहा गया है, ज्यों सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत। हमारी आत्मा का दिल राज्य की शोभा को देख रहा है। किस प्रकार से? पहले कौन देखेगा? जीव का दिल। आपने सागर श्रृंगार पढ़ लिया, आपको राज्य श्यामा जी का श्रृंगार मालूम हो गया, आपके जीव के दिल में यानी मन चित बुद्धि में राज्य के नक्श से सिख तक की शोभा बसी हुई है। जीव का दिल भी अब राज्य का प्रेम चाह रहा है। हर कोई चाहता है कि राज्य आ जाए मेरे दिल में, राज्य की शोभा बस जाए हमारे दिल में। इसके लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अभी अपने सागर का ये गायन सुना, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। यह बहुत ऊंची भावना है। प्रेम पाने के लिए आपको इसके भावों में डूबना पड़ेगा। जब तक यह भाव आप में नहीं आएगा कि हमारा दिल धनी का अर्ज है, तब तक आपके अंदर प्रेम आएगा ही नहीं। ज्ञान रास्ता दिखा देगा कि रज और तम से परे हो जाइए तो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। ज्ञान आपको निस्बत के बारे में बताएगा, लेकिन निस्बत की पूर्ण पहचान नहीं करा सकता है। आप सबको जानते रहेंगे, लेकिन वह आचरण में चरितार्थ नहीं हो सकेगा। आप देखेंगे लाखों सुंदर साथ हैं, हर सुंदर साथ तीक्ष्ण बुद्धि का है, वाणी सैकड़ों बार सुंदर साथ पाठ कर चुके होते हैं, लेकिन क्या निस्बत की मारिफत की पहचान सब सुंदर साथ को हुई होती है? सागर श्रृंगार की हजारों चौपाइयाँ आपको कंठस्थ हो सकती हैं, लेकिन सागर श्रृंगार में जो वर्णित है क्या आपने अमता चक्षुओं से देखा होता है? उत्तर मिलेगा नहीं, थोड़ी बहुत झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ हमारे जीव के दिल के धरातल पर हो रहा होता है। जिसकी तेज बुद्धि होती है वो ज्यादा वाणी को ग्रहण कर लेता है, जिसकी कम बुद्धि होती है वाणी की चौपाइयों को कम समझ पाता है। लेकिन जहां प्रेम की बात है, जहां जीव के दिल की सीमा समाप्त हो जाती है, जीव का दिल वाणी के ज्ञान को आत्मसात करके विरह की राह पर चल निकलता है, अब वहां से प्रेम का अंकुरण फूटना शुरू हो जाता है आत्मा के धाम हृदय में। प्रेम को प्रस्फुटित करने के लिए एक अमोघ साधन है, आप जहां भी हैं मेरा दिल ही तो आपका अर्श है। मेरे दिल में ही आप अनादिकाल से बैठे रहे हैं और अभी मेरे अर्श दिल की सज्जा पर आपको सिंहासन सहित दिखना पड़ेगा। जब उठते बैठते सोते जागते आप इन्हीं भावों में खोए रहेंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर दिव्य भाव पैदा होंगे जो आपके अंदर प्रेम पैदा करने का कारण बनेंगे। इसको कहते हैं भावलीनता, राज्य के भावों में डूबे रहना। चाहे हम कितने भी विद्वान क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक ये भावना नहीं आती तो कहीं ना कहीं संसार की बातें आ ही जाती है। ये स्थिति वैसे ही होती है जैसे आपने कपड़े को खूब साफ किया, सवेरे साफ सुथरा कपड़ा पहना और धूल बड़ी भरी सड़क पर निकल पड़े। कुछ जरूरी काम था शाम से पहले, अगले दिन उस कपड़े को बदलना है, लेकिन शाम होते होते कपड़ा आपका गंदा हो जाता है। ध्यान से चितवनी से जब तक उठते हैं तब तक आपके अंदर ब्राह्मी भाव रहते हैं, लेकिन संसार में प्रवेश करते ही जब 10 लोगों से बातें करनी पड़ती हैं संसार प्रवेश कर जाता है। तभी तो वाणी कहती है, मोमिन बैठे बातें करें बका अर्श की, तित भीष्ट भई बैठक, दुनी बातें करें दुनी की, आखिर तित दोजक। हमारे उठने बैठने बोलने चालने सब में क्या होना चाहिए? जिक्रे सुबान, केवल राज्य की यादें हमारे स्मृति में कोष में अखंडित रूप से क्रीड़ा करती रहे, तो परिणाम क्या होगा? मनुष्य अपने विचारों का ही तो बना होता है, जो जैसा सोचता है जैसा बोलता है जैसा करता है वैसा ही हो जाता है। हम राज्य का प्रेम कैसे अपने अंदर लाए? जब परमहंसों की मार्फत की अवस्था आने वाली होती है तो उनके पहले उनकी एक विचित्र दिनचर्या बन जाती है। न उन्हें आंखें खोलने की इच्छा करती है, न होठ खोलने की इच्छा करती है, न जीवा को किसी तरह के आनंद देने की इच्छा होती है,
न शरीर को सुख देने की इच्छा होती है। एक लगातार तन्मयता बन जाती है, एक ऐसा तारतम्य बन जाता है कि अष्टपहर भी ना रहे, आठों पहर लगता है कि वह मेरा प्रियतम मेरे सामने है। और यही भावलीनता की प्रचंडता हृदय में प्रेम का एक स्रोत खोल देती है। आप एक घंटे चितवनी करेंगे, एक घंटा किसी की निंदा करेंगे, किसी की के प्रति घृणा के विचार प्रकट करेंगे, या आप विचार से बोले नहीं तो मन ही मन एकांत में अब सोचते रहेंगे, परिणाम क्या होगा? आपने जितना साफ किया अरस्तिल को सज्जा का सुख देने के लिए, अरस्तिल पर धनी की सज्जा का सुख लेने के लिए, वो तो सज्जा फिर मैली होती जा रही है। इसलिए आपने परिक्रमा के चौथे प्रकरण में ये पढ़ा है कि इस कुब्जे का वो प्रकरण है, तुमको इस कुब्जावने करूं सो अनेक उपाय। आप सारे प्रकरण को आत्मसात कर लीजिए, आपके अंदर प्रेम आने लगेगा। लेकिन यह ध्यान रहे, यदि आपको निस्बत की पहचान नहीं है, निस्बत नहीं है तो भी निस्बत बनाइए, ज्ञान से बनाइए, विरह से बनाइए, समर्पण से बनाइए, अटूट विश्वास से बनाइए, चितवनी से बनाइए। आपको अधिकार दिया गया है इस छठे दिन की लीला में। आपके अंदर परमधाम की आत्मा का स्वरूप भले ही नहीं है, तारतम ज्ञान का प्रकाश तो मिला, आप ईश्वरी सृष्टि भी नहीं है, कोरे से कोरे जीव भी हैं, फिर भी आपको प्रेम की डगर पर चलने का अधिकार राज्य ने दिया है। यदि सूर को मिल सकता है, रसखान को मिल सकता है, उस मीरा दीवानी को मिल सकता है, बड़े बड़े सूफी फकीरों को मिल सकता है जो पूरी पूरी रात आंसुओं से अपने मुख को तर किए रहे, उस बाबा फरीद से पूछिए जिनके मुख से क्या आवाज निकलती है। सब तन कागा खाइया, कितनी बड़ी विरह की प्रेरणा है। एक बार बाबा फरीद 12 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे। सूफी फकीर हैं, सूफी फकीरों को संप्रदाय से कर्मकांड से कुछ लेना देना नहीं होता। एक कौवा उनके कंधे पर बैठ जाता है, देखा कि लगा कि ये तो कोई मरा हुआ व्यक्ति है। कौवे को नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति जिंदा है, उसने चोंच मार मार कर उनके शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। शरीर तो पहले ही हड्डियों का ढांचा बन चुका है, थोड़ा सा मांस हड्डियों से चिपका पड़ा है। बाबा फरीद उस कौवे को भगाते नहीं है, मीठे शब्दों में कहते हैं कि कागा इन दो नैनों मत खाइयो पिया मिलन की आस। तू मेरे शरीर का सारा मांस तो खा जा क्योंकि तुझे भूख लगी है, लेकिन इन दोनों आँखों को छोड़ देना क्योंकि मेरी आत्मा तड़प रही है अपने प्रीतम के दर्शन के लिए। एक सूफी फकीर है जिसके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं है, बेचारा उमूल मिलावे को नहीं जानता। हम सुंदर साथ के पास तो सब कुछ है, हमने निस्बत का संबंध जोड़ना नहीं सीखा। और निस्बत का संबंध जोड़ने के लिए ही हर सुंदर साथ के मुख से ये आवाज अंदर गुनगुनानी पड़ेगी। मुख से न बोलिए लेकिन दिल में भावना रखिए, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, क्योंकि आपसे मेरी अखंड निस्बत है। ए होए बिना होए न बिना निस्बतिये, इथि हुई वहदत निस्बत वहदत देके, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। आप माया के संसार में आ गए हैं तो असहाय मत बनिए कि राज्य ने ऐसी माया दिखाई है, माया का इतना बल है। क्योंकि राजग्रंथ में जब माया के पहले प्रकरण को आप पढ़ते हैं तो आप डर जाते हैं, कितने बड़े ऋषि मुनि सुख संकादि से जब माया नहीं टली तो हम क्या कर पाएंगे। इंद्रावती जी कहती हैं कि तरण युद्ध की था फरी फरी पच्छे गतमत मारी हरी, चौथी बार इसने मुझे भी हरा दिया। तो आपके मन में भय समा जाता है कि जब इंद्रावती जी को माया हरा सकती है, देवचंद जी को माया भारी पड़ सकती है, तो हमारी क्या औकात है। आपको इसके लिए नहीं रखा गया है। एक बात याद रखिए, यदि आपका पिता हो सकता है अपने समय में बैलगाड़ी चलाया हो, छोटे काम भी किया हो, ठेले पर कुछ खाने पीने की चीजें रख करके बेचा भी हो,
लेकिन इस समय तो आपके पिता से करोड़पति हो गए हैं और आपके हाथों में करोड़पति की चाबी दे चुके हैं। मैं एक संसारिक दृष्टांत से समझा रहा हूं, इसको परमधा परमत घटाइए। फिर भी आप यदि ऐसा कहें कि मेरे पिता ने बैलगाड़ी चलाई थी, फावड़े चलाए थे, ठेले पर कुछ खाने पीने की वस्तुएं रख करके बेचा करते थे, अब हम भी वही करेंगे, क्योंकि जब मेरे पिता इस उम्र में ऐसा नहीं कर सके तो हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी सभी मत पंथों में गए, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, हमारे लिए तो उन्होंने सारा खजाना दे दिया है। विशेष परिस्थितियों में इंद्रावती जी को चौथी बार माया से हार खानी पड़ती है। हमें यह नहीं सोचना है कि माया हमसे बलवान ही रहेगी, हमें अपने अंदर अधिकार नहीं लेना है, लेकिन यह भाव तो लेना ही होगा कि जो परमधाम की आत्मा इंद्रावती के अंदर भी है, हमारा समर्पण भी वैसा बने और हम भी इंद्रावती जी की आत्मा का अधिकार रखकर इस तरह से व्यवहार करें कि हमारा दिल धनी का अर्श बन जाए। कितनी भी उपलब्धि हो जाए, हमें कभी अपने अंदर अहं की चादर को हावी नहीं होने देनी चाहिए, लेकिन जो हमारा जन्मजात अधिकार है, अनादि सिद्ध अधिकार है, उसे लेने का हमें खुशी पूर्वक अधिकार है। हर सुंदर साथ जैसे जैसे अपने मन में भावना करता जाएगा कि हक नजीक से हरक से अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, माया के बादल अपने आप छटने शुरू हो जाते हैं। किसी सेना का मनोबल पहले ही गिरा दीजिए कि तुम्हारी संख्या कम है, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मजबूत नहीं है, तो आधी सेना पहले ही हार बैठ जाती है। यदि सेना के पास अस्त्र शस्त्र भी कम हो, उसका मनोबल दृढ़ है, तो छोटी सी सेना से बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया जा सकता है। एक बार इतिहास की मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। यूनान के 100 सैनिक हैं, लेकिन उस समय जो यूनान की परंपरा थी उसमें हर सैनिक को कठोर संयम के नियमों से गुजारा जाता था, अखंड ब्रह्मचारी बनाया जाता था। और दूसरी तरफ यूनान के शत्रु देश की 100,000 सेना है। इस विषय पर 100 सोल्डर्स नाम की पिक्चर भी बनी है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है सुंदर साथ के मुख से, क्या दृश्य है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी मुझे मालूम है जो आपको बता रहा हूँ। एक तरफ 100,000 की सेना, दूसरी तरफ 100 सैनिक यूनान के। यद्यपि 100 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन तब तक 100,000 की सेना इतनी तहस नहस हो चुकी होती है कि 100,000 की सेना को हार करके पीछे हटना पड़ता है। कहाँ 100, कहाँ 100,000। उसी तरह से आप भी सोचिए कि आपके पास परमधाम का ज्ञान नहीं है, आप महामती जी की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे इस संसार में। परमधाम में आप में और इंद्रावती में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वहाँ की भावना से जैसे इंद्रावती जी अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, तो मैं भी तो हूँ। आपके अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है तो भाव लीजिए कि मेरे हृदय ने अपना समर्पण राज्य को सौंपा है, तो राज्य दया के सागर है। दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार। वो दया का सागर है। यदि हमने अपना हृदय सौंपा, चाहे जीव हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, अंगना भाव से सौंपा, तो राज्य उसको उसी भाव से स्वीकार करेंगे। लेकिन हीन ग्रंथि यदि हमारे अंदर आती है तो हमारा समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक जाएंगे। अक्षरातीत का दिल क्या है? यह जो पांचवा सागर है, इश्क का सागर है। राज्य के दिल में क्या है? अनंता अनंत इश्क। हम सोचे बैठे हैं कि इश्क की एक बूंद मिल जाती, तो यदि हमारे अंदर इश्क नहीं है तो तात्पर्य क्या है? राज्य कंजूस हो गए हैं, अपना प्रेम देना नहीं चाहते, यही तो हम कह सकते हैं। राज्य बहुत कठोर दिल के हैं, इसलिए हमें दर्शन नहीं देना चाहते। सब सुंदर सा तो ऐसे ही कहते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि हमने सावन भादों की वर्षा के पानी को घड़े में इकट्ठा करने के लिए जो घड़ा रख रखा है, उसका मुंह ही उल्टा कर रखा है। हम दूर से देख रहे हैं कि घड़ा तो आंगन में रख दिया है,
लेकिन यह जांचने की कोशिश नहीं करते कि उसके मुख को सीधा रखा है या उल्टा रखा है, कहीं पेदे में छेद तो नहीं है। यही बातें हैं। हमने निस्बत का अधिकार नहीं जाना, निस्बत की महिमा नहीं जानी, और निस्बत की महिमा और अधिकार को लेकर अपने आचरण को उसके अनुरूप नहीं डाला, इसलिए हम बार बार रोते हैं, राज जी हमें इश्क दो। सब सुंदर सा तो बहुत भावुक हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुताएं। बुजुर्गी बहुत बुरी चीज़ है, हमें नहीं चाहिए, इश्क दीजिए। इश्क लेने से पहले क्या आपने अपने निस्बत के अधिकार को देखा है? आप कह सकते हैं कि हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हम माया की जीव सृष्टि है, हमारे अंदर प्रेम कहाँ से आएगा? आपने तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही हार मान ली। आप अपना दिल का समर्पण राज्य को सौंप दीजिए। मैं ब्रह्मात्मा हूँ, ईश्वरीय सृष्टि हूँ या जीव हूँ, ये मैं नहीं जानती, मेरा दिल आपका है और मेरा दिल ही आपका सिंहासन है। जो सूरत दिल देखत तो रूह जो देखे सूरत, जैसा हमारा दिल देख रहा है वैसी हमारी आत्मा देखने लगे, आत्मा की दृष्टि। जानने से जीव का दिल देखेगा, 25 पक्षों में विहार करेगा, युगल स्वरूप के नक्शे सिख तक की शोभा में विहार करेगा। यह जान उसको समर्पण की तरफ प्रेरित करेगा, अटूट विश्वास की तरफ प्रेरित करेगा। समर्पण और अटूट विश्वास जब मिलते हैं तो विरह का झरना फूटता है। विरह के झरने से जब जल प्रवाहित होता है तो आत्मा के हृदय में प्रेम फूटता है। यह अवस्था कही जाती है, जो सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत। जीव के दिल से अब यह अवस्था हो गई रूह के दिल से। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। अभी अब आपके जीव के दिल ने जितना करना था राज्य की शोभा को बसाने का, प्रेम लाने के लिए सब कर लिया। अब आपकी आत्मा के हृदय से पुकार उठने लगी है कि मैं अब तक जीव के दिल पर जो लीला देख रही थी संसार की, मुझे उसको नहीं देखना है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब हमारी आत्मा राज्य के नख से सिख तक के श्रृंगार में डूबने लगी है। जब आत्मा के दिल में धनी की शोभा बसने लगती है, उसकी अंतर्दृष्टि प्रत्यक्ष देखने लगती है, तो वहाँ ये कथन चरितार्थ होगा, जो सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत। सिंधी में इसी बात को दोहराया गया है कि आपका इल्म मेरे दिल तक तो पहुँचा है, मेरी आत्मा तक नहीं पहुँच रहा है। जैसे मैंने कहा, दिल से जीव अलग है, परम धाम में ये भेद करना कठिन हो जाता है, क्योंकि परम धाम में एक ही तत्व है। काल माया के ब्रह्मांड में मन चित्त बुद्धि अहंग सब अलग हैं, जीव अलग हैं, इंद्रियां अलग हैं, लेकिन परम धाम में तो हर कण कण आत्मा का स्वरूप है। इस कालमाया के ब्रह्मांड में जब हम आए हैं तो आत्मा के दिल और आत्मा में भेद करना कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ के भाव से हमें समझना पड़ता है कि जब विरह के भाव से उठकर आत्मा राज्य की शोभा को बसाने लगती है तो उसको आत्मा के दिल में बसना कहते हैं। जब ओतप्रोत हो जाती है तो कहते हैं कि आत्मा ने राज्य को देख लिया। अब प्रश्न यह है कि यह जो पांचवा सागर है, इसका रिस्पान हम कैसे करें? अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम का सागर। आप ऐसा ना सोचिए भी कि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक जीव है, एक दिल है, वैसे ही राज्य के शरीर में भी एक दिल होगा, एक जीव होगा, ऐसा नहीं है। यद्यपि रास ग्रंथ में ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन उसके कहने का आशय कुछ और है। पूरे परम धाम में राज्य के सिवाय कुछ है ही नहीं, इसलिए तो कहते हैं वह परम धाम है। परम धाम का अर्थ सर्वोपरि स्वरूप, सर्वोपरि लीला स्थान। लीला स्थान में लीला कौन कर रहा है? लीलाधारी यानी स्वयं अक्षरातीत। अक्षरातीत का नख से सिख तक का स्वरूप ही परब्रह्म का है। यदि उस परब्रह्म के स्वरूप को एक सागर माना जाए तो उस सागर की हर लहर आत्मा कहलाएगी। आत्मा की क्रीड़ा परमात्मा के साथ होती है, इसलिए बोलचाल में हम जरूर कह देते हैं, पहले लिया हक के दिल में, पीछे आया महे नूर,
राजी के दिल में ये बात होती है, श्यामा जी के दिल में बात आती है, यहाँ के भावों से ये सब कुछ कहा जा रहा है। परम धाम में न आत्मा कोई अलग है राज्य से, न कोई दिल अलग है, दिल आत्मा तन सभी एक स्वरूप है। अंतर केवल इतना ही है, हकीकत दिख रही है मारिफत से, मारिफत में विलीनीकरण हो रहा है हकीकत से, हकीकत से मारिफत, मारिफत से हकीकत, सागर से लहरें और लहरों का सागर में विलीन होना, यही बस लीला चलती रहती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हकीकत के बिना मारिफत की व्याख्या नहीं की जा सकती और मारिफत के बिना हकीकत का अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों में चोली दामन का साथ होता है। आपने इससे पहले जो सागर पढ़ा, चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। राज्य के हृदय में प्रेम है, वही प्रेम अक्षर के हृदय में नहीं है, और अक्षर के स्वप्निक मन आदिनारायण के अंदर भी वह प्रेम नहीं है। स्वरूप एक लीला दो, इसलिए जब हमारी सुरता राज्य से अखंड निस्बत रखती है तो निस्बत के तनों में जितना प्रेम है वही प्रेम हमारी आत्मा के धाम हृदय में इस खेल में भी होना चाहिए। एक चौपाई याद रखनी है, श्री महामद कहे ए मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर आपका स्वरूप क्या है? निस्बत का स्वरूप है। बदले आप दिखावत प्यारे, निस्बत रखे छिपाए। आपने कभी अपनी महिमा का अवलोकन भी तो नहीं किया, संसार की महिमा का नहीं। संसार की महिमा में आप जितना फंसेंगे, ज्ञान दृष्टि से अपनी महिमा का मूल्यांकन करेंगे, पद प्रतिष्ठा से करेंगे, अपने शरीर के सौंदर्य और बलिष्ठता से करेंगे, तो आपके लिए एक बंधन बन जाएगा। आप अपनी परात्म की महिमा का अवलोकन कीजिए कि आप कौन हैं। आप वह स्वरूप हैं जिसको स्वयं अक्षर अतीत रह जाते हैं। आप वह स्वरूप हैं जिसको स्वयं अक्षर अतीत अपनी अर्धांगिनी कहते हैं, अपनी प्राणेश्वरी कहते हैं, अपनी हृदयेश्वरी कहते हैं। आप वह स्वरूप हैं जिसके बारे में राज जी कहते हैं कि साथ बिना कहीं पांव न धरे। आप वह हैं जिसको कहते हैं कि तुम मेरे तन हो और मैं तुम्हारा आशिक हूं, रूहो रे मेरे, मैं रे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई भीत के सुख अंग इस अंग उपजाऊं। लेकिन आप, मैंने पहले दिन की चर्चा से कहना प्रारंभ किया है कि सुंदर साथ अपने स्वरूप की पहचान करें, इस माया के पर्दे से हटकर इस संसार के रूप की पहचान न कीजिए, अपनी परात्म का श्रृंगार लेकर खड़े हो जाइए, निस्बत की पहचान लेकर खड़े हो जाइए, तो आपको पता चलेगा कि यदि राज्य इश्क के सागर हैं तो हम भी तो इश्क के सागर हैं। श्री महामद कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। ये चरण क्या कह रहे हैं? राज्य का आदेश है कि तुम भी निस्बत के स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर भी उतना ही इश्क है जितना इश्क मेरे अंदर है, राज्य के अंदर है। रब्द क्यों हुआ था? सबका कहना था ना हमारा प्रेम बढ़ा, इसके लिए रब्द हुआ। राज्य बताना चाह रहे हैं तुमने मेरे से अलग की कल्पना क्यों कर ली? जितना इश्क मेरे अंदर है उतना ही इश्क परम धाम में तुम्हारे अंदर है। जब सबका इश्क बराबर है तो रद्द होना ही नहीं चाहिए। हम बड़े और छोटे की जो भावना कर रहे हैं वो इस माया की देन है। परम धाम में हर कोई रिझाएगा तो कहेगा कि मैं आशिक हूं। हर कोई अपने इश्क का बखान करता है। इस काल माया के ब्रह्मांड में भी हमारे अंदर उल्टी हो गई है भावना। हम कहते हैं कि हमारे अंदर इश्क ही नहीं है। सच तो है हमारे जीव के अंदर इश्क नहीं है, आत्मा के अंदर परात्म का सारा इश्क है, लेकिन ताला बंद है। उस ताला को खोलना हमारे हाथ में है। ताला कैसे खुलेगा? पहली आवश्यकता है निस्बत की पहचान। हम कौन हैं? जिस दिन जान जाएंगे हम अधिकार लेकर के बैठ जाएंगे। एक नौकरानी, मैं एक संसारिक दृष्टांत से समझाना चाहता हूँ। राजा की पटरानी, चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी किसी तरह से वन में भूल गई होती है। वर्षों बीत जाते हैं, 2500 वर्ष राजा भी भूल चुका होता है।
कदाचित किसी कारण से महारानी बड़े बड़े भयानक वनों को पार करते हुए राजमहल में आती है, कुछ समय तक वह भी भूली रहती है कि यह महल राजा का ही है, और नौकरी की प्रार्थना करती है। चक्रवर्ती सम्राट उसे अपने महल में नौकरानी का पद दे देता है। लेकिन जैसे जैसे वो महल में कुछ दिन रहने लगती है, उसकी पूर्व स्मृतियां जागृत हो जाती है। कह रही, मैं तो नौकरानी, आज इसमें नौकरानी बनी हुई हूँ, मैं तो यहाँ महारानी रह चुकी हूँ। राजा के साथ मैं गई थी और मैं बिछुड़ गई थी, परिणाम ये हुआ कि राजा पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि मैं इस कक्ष में रहती थी, ये वस्त्र आभूषण मेरे हैं, मैं यहाँ श्रृंगार करती थी, मैं यहाँ सोती थी। वो राजा के पास जाकर कहती है कि महाराज, आज तक आपने नौकरानी का काम कराया, लेकिन मैं नौकरानी का काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। देखिए, आपको शायद याद ना हो, यह मेरा कक्ष है। आप पूछिए तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे हार कहाँ कहाँ रखे हैं, क्योंकि अब तक मैं भूली रही, अब मुझे याद आ गया है। राजा क्या करेंगे? क्या उसको कहेंगे कि नहीं, तुम्हें ये झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, तुम्हें नौकरानी का काम करना है? आप मेरे कहने का शायद आशय समझ गए होंगे। निस्बत के अधिकार को हमने नहीं समझा तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी क्या कहा, श्री महामद कहे, ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर। इश्क के प्याला प्याले में आपका हृदय इश्क का प्याला है। अक्षरातीत अनंत प्रेम का सागर लेकर आपकी आत्मा में आनंद उड़ेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि शरीर पर, संसार पर और जीव के दिल पर जाएगी, ये प्रेम का प्याला आपको मिलने वाला नहीं है। इनको छोड़ना पड़ेगा। शरीर से नज़र हटाइए, संसार से नज़र हटाइए, जीव भाव को छोड़िए, तो आपकी आत्मा में तो परात्म का प्रतिबिंब है। आपकी आत्मा ही परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। परात्म इश्क का सागर है, तो आपकी आत्मा भी इश्क का सागर है। वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा के अंदर इश्क नहीं है। आत्मा फरामोशी के ब्रह्मांड में आई है। परमधाम में जो परात्म है, फरामोशी की लीला को देखते देखते फरामोशी की स्थिति जैसी हो गई है, मूल तन में फरामोशी नहीं जाएगी। हीरे के टुकड़े को आप 100 साल तक कीचड़ में डाले रखेंगे, उसके ऊपर तो कीचड़ जम जाएगा, लेकिन हीरे को छेद कर कीचड़ कभी भी अंदर नहीं जा सकता है। उसी तरह से आपकी आत्मा में माया का प्रवेश कभी नहीं हो सकता है। आपकी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की लीला को देखने में मग्न हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर इस माया का काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के विकारों का प्रवेश नहीं कर हो सकता। राज जी ने निस्बत के सागर की अंतिम चौपाई में कह दिया कि तुम इश्क के सागर हो, लेकिन सुंदर साथ पढ़ते तो हैं, उनको विश्वास भी नहीं हो सकता। आप निस्बत को जान जाएंगे, निस्बत की पहचान कर लेंगे, तो वहदत की पहचान कर लेंगे, खिलवत की पहचान कर लेंगे, जिसके लिए कहा है, ए होए न बिना निस्बतिये, इथी हुई वहदत। निस्बत वहदत के तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। जहाँ निस्बत होगी, वहाँ राज्य के चरण कमलों को आना ही पड़ेगा। जब जीव भाव से असहाय होते हैं, महीने दो महीने आप ध्यान करते हैं, राज्य का स्वरूप नहीं आता, तो कहते हैं कि पता नहीं हमारे अंदर परमधाम की आत्मा है या नहीं। यह कौन कह रहा है? जीव की नकारात्मकता। यदि आपकी आत्मा ने अपना अधिकार सीख लिया, तो जीव बेचारा क्या करेगा? जीव तो तरस रहे हैं कि सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमलों का रसस्वादन हमें प्राप्त हो। जीव की जितनी सामर्थ्य उतना ही कर सकता है। जीव को केवल इतना करना होता है कि वह विरह में तड़पना सीख जाए। स्वलीला अद्वैत की बातें जीव सुनेगा, वैसा करने का प्रयास भी करेगा, लेकिन इस ब्रह्मांड में जब स्वलीला अद्वैत के बारे में कोई जाना ही नहीं, बेहद में भी स्वलीला अद्वैत नहीं है, तो परम धाम के स्वलीला अद्वैत के बोझ को संभालना जीव के बस की नहीं होती है। उसका इतना ही काम होता है कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की नौका के सहारे अपने हृदय को हथेली पर रखकर राज्य को सौंप दे।
कि जितना मेरा बल था मैंने कर दिया। तभी तो जब आप गाते हैं बंदो सदगुरु, उसमें क्या कहा जाता है कि बांग रहे की लाज। एक चरण है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अधीन करनी नहीं, मेरी करनी ऐसी नहीं है कि मैं दावा कर सकूं कि आपकी निस्बत का अधिकार ले लूं, ये कौन बोलेगा जी। लेकिन मैंने जो अपनी बांह पकड़ाई है इसकी लाज रखना आपको है, यदि आप नहीं रखेंगे तो आपकी गरिमा कलंकित हो जाएगी। इस दावे के साथ अपना समर्पण प्रस्तुत कीजिए। यदि आपके हृदय में ने समर्पण कर दिया, विश्वास की फौलादी चट्टान के सहारे अपने को खड़ा कर लिया, तो माया के सागर की लहर कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकेगी। ये दो काम आपको करना है। मैंने पहले ही कहा, राज्य के नक्शे सिख तक श्रृंगार में जो दिख रहा है उनका श्रृंगार क्या है? नूर सागर। वह नूर सागर का प्रकटीकरण कहां से होता है? राज्य के हृदय से। राज्य के हृदय में ही प्रेम का सागर है। आपके पास राज्य का प्रेम आएगा तो इल्म पीछे पीछे चलकर आएगा। इसका मतलब यह न समझिए कि आप वाणी का चिंतन करना बंद कर दीजिए कि हम केवल ध्यान करेंगे तो वाणी का ज्ञान आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य के प्रेम की गहराई में जितना आप डूबेंगे उतना ही ज्ञान आपके अंदर आएगा, लेकिन सभी उस मार्ग पर चल नहीं सकते। इसलिए प्रेम और इश्क दोनों एक दूसरे, प्रेम और इल्म, इश्क और इल्म, ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में चोली दामन का साथ है। प्रेम का प्राण है ज्ञान यानी इल्म, और इश्क और इल्म का प्राण है इश्क। दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। और कुछ कड़वा सच कहूँ तो सारे सागर एक दूसरे के बिना नहीं है, ये जरूर आप कह सकते हैं कि मूल बोलचाल की भाषा में मन को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि चार सागर राज्य के हैं, चार सागर श्यामा जी के हैं। लेकिन श्यामा जी किसकी हैं? श्यामा जी भी तो राज्य की ही हैं। राज्य से अलग कौन है? हर आत्मा के दिल में वही श्री राज्य, तभी तो उसको पूर्ण कहते हैं, कहीं से भी न्यूनता नहीं है। 2, 3, 5, 7 अब गणना कर लेते हैं। दूसरा सागर नीर का सागर, नख से सिख तक राज्य के वहदत के स्वरूप कौन है? राज्य, श्यामा जी, सखिया, ये वहदत के स्वरूप है। और जोड़ेंगे तो उसमें खूब खुशहालियाँ भी आ जाएंगी, 25 पक्ष भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ मोटे तौर पर समझिए वहदत के स्वरूप में सखियाँ हैं और श्यामा जी हैं और राज्य हैं। वहदत के स्वरूपों में जो शोभा है वह है नीर सागर। नीर कहते हैं जल को। नूर के सागर की जो कांति है वह कहलाएगी नीर सागर। राज्य के एक एक अंग में जो कांति दिखाई दे रही है सौंदर्य में, सौंदर्य पुलिंग है, कांति स्त्रीलिंग है, सौंदर्य में जो कांति है वह नीर सागर। और नीर सागर यानी रूहों की जो शोभा है, श्यामा जी की शोभा है, राज्य की शोभा है, उसमें जो एकत्व दिख रहा है वह है क्षीर सागर, वहदत का सागर। चौथा सागर है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर। चार सागरों का वर्णन कर लेते हैं और उसके पश्चात कहा जा रहा है कि यह पांचवा जो सागर है इश्क का सागर है। पांचवें से ही सब कुछ है। कभी कहेंगे कि पांचवें से सब कुछ है तो भी ठीक है, छठवें इल्म से है, इल्म नहीं होगा तो आप इल्म को इश्क को कैसे प्राप्त करेंगे? यदि निस्बत नहीं होगी न इश्क आएगा न इल्म आएगा। सर्वर सागर में सभी सागर पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। राज्य का नख से सिख तक का जो श्रृंगार है सब कुछ वो सर्वर सागर करा रहा है। यदि रूहों की शोभा का आपको पता नहीं, आपको अपनी परात्म की शोभा का पता नहीं, तो चितवनी की प्रारंभिक कक्षा में ही आप 0 अंक लाएंगे। इस शरीर से तो आप परम धाम जा नहीं सकते जब तक आप वहदत के स्वरूप में नहीं आएंगे। जैसे मैंने सागर की उस जितनी चौपाई बोली थी, एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। एक रस्ता, एक रस्ता का तत्पर
आप यहाँ भाव लीजिए, हमारे दिल में और राज्य के दिल में कोई अंतर नहीं है, यानी वहदत में प्रवेश किए बिना आप चौथे सागर का सुख नहीं ले सकते, और चौथे सागर का सुख लिए बिना राज्य के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हर सागर एक दूसरे से जुड़ा है, हर एक सागर में अन्य सभी सागर समाये रहते हैं। लीला रूप में यह कहा जाता है कि सर्वरस सागर में सात अन्य सागर समाये हुए। लीला रूप में हमें अपने मन को तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता है, जैसे हमारे मन को समझा देने के लिए, खूब खुशहालियों को इस दुनिया के भाव से पुखराज की हवेलियों में ठहराइए, बड़ी रंग की हवेलियों में रखिए कि रंग महल में नहीं जा सकती, क्योंकि रंग महल किसका है? पटरानियों का है। बेचारे बंदरों को पशु पक्षियों के रंग महल से बाहर खदेड़े रखिए कि इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सब सिद्धांत यहाँ का है, परमधाम में नहीं है। परमधाम में यदि पहरा लगा दिया जाए कि खूब खुशहालियों को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो सो लीला अद्वैत वहदत का सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। यदि परमधाम में राज उतारे बस्तर पहनी पिछौरी कमर पर यदि इसको मान लिया जाए, तो परमधाम क्या होगा? जहाँ राज्य के कपड़े पर जूठन गिर जाए और वो गंदा हो जाए तो परमधाम नहीं रहेगा। लेकिन आपको ये बातें बताई जाती है कि इस दुनिया में रह रहे हैं तो ऐसा किया जाता है, इन्हीं भावों को लेकर किसी तरह से आपकी सुरता राज्य में लग जाए। वहाँ क्या होगा, आपका दिल जानेगा या राज्य जानेंगे? क्योंकि अर्श बका वर्णन किया, ले मसाला इत का, जिस झूठी दुनिया में बैठे हैं वहाँ के दिशांत से समझाया जा रहा है कि एक नख के नूर में करोड़ों सूरज छिप जाएंगे। यदि आपने राज्य का प्रेम ले लिया तो बाकी क्या रहा? लेकिन प्रेम मिलेगा सातवें सागर निस्बत के अधिकार से, प्रेम मिलेगा तारतम वाणी के प्रकाश से हृदय में, ये छठा सागर आएगा तो इल्म मिलेगा, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डूबेंगे तो प्रेम आएगा। किसी बहाने से आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ समझा दिया कि अर्जुन मैंने तुम्हें ज्ञान योग का उपदेश दिया है, कर्म योग का उपदेश दिया है, भक्ति योग के बारे में बता दिया, सांख्य योग बता दिया, सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं होता है तो तू मेरे प्रति समर्पित हो जाए, तुम अपना हृदय मुझे दे दे। सर्वान धर्मान प्रतिज्ञ माम एकम शरणम प्रवच, तुम सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। उसी तरह से यदि हम निस्बत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं सब चलेगा, चितवनी नहीं कर पा रहे हैं चलेगा, रूहों की वहदत को नहीं समझ पा रहे हैं तो भी चलेगा। राजी कह रहे हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है इत आए करो आराम। हम राज्य से बस प्रेम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, ये तो अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साध्वी कर सकता है। आप इतिहास के पन्ने को पलटिए, गौतम बुद्ध के चरणों में अंगुलीमाल जाता है, जिसके गुरु ने कहा था हजार व्यक्तियों की हत्या करो, उनकी अंगुलियों की काट कर माला बनाओ और उसको गले में डालो। 999 को काट चुका था, कितनी क्रूरतापूर्वक 999 व्यक्तियों को काटकर बुद्ध के ऊपर भी अपनी तलवार उठा लेता है कि मुझे सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन बुद्ध उसको स्वीकारते हैं और इतना भयानक हत्यारा एक भिक्षुक बन जाता है जिसके ऊपर लाठियों की बौछार पड़ रही है, सिर नीचा किए उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है लाठियों के प्रहार से, कभी उफ नहीं करता। तो आप भी यदि अपना हृदय राज्य को सौंप देंगे तो यह मत सोचिए कि उसमें प्रेम नहीं आएगा। आप इल्म को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इतना अटूट विश्वास रखिए कि जो हमारी परात्मा है वह राज्य का साक्षात तन है, उसमें अनंत इश्क है तो हमारी आत्मा में भी अनंत इश्क है। आप आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे दिल देकर प्रतिदिन राज्य की शोभा में डूबने का प्रयास कीजिए कि राज्य मेरी आत्मा आपसे प्रेम करती है, मेरा हृदय आपसे प्रेम करता है, अपने चरण कमल मेरे हृदय में रखिए। धीरे धीरे आपके हृदय में विवेक की ज्योति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है चौपाइयों से ज्ञान तो आ जाएगा
लेकिन आपका हृदय यदि निर्मल नहीं हुआ तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं अहं की ग्रंथि को भी बढ़ा सकता है। आपकी विवेक शक्ति बढ़ जाए केवल चौपाइयों के ज्ञान से, ये कहा नहीं जा सकता। विवेक दृष्टि बढ़ेगी अंतरात्मा की आवाज को सुनने पर। आपका हृदय राज्य के प्रेम में जितना डूबेगा, आपके विवेक चक्षु खुलेंगे, अंतक चक्षु खुलेंगे, और राज्य के हृदय से जब आपका हृदय जुड़ेगा तो राज्य के जो हृदय में जो कुछ है वह आपके हृदय में आने लगेगा। यह मोटा सा सिद्धांत है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हम रोना बंद कर देंगे। कभी सब सुंदर साथ अर्जी करते थे, आज भी करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि राज्य खेल को बस करो, माया भी देखिए, सब कुछ गाया जाता है, लेकिन उससे क्या खेल बंद हो जाएगा? आपको जो अधिकार मिला है निस्बत का अधिकार लेने का, निस्बत का जो अधिकार है आप लीजिए, राज्य के दिल में डुबकी लगाइए। जो परम धाम में जो सुख आपको मिलता था इस जागनी लीला में आपको मिल सकता है। इथि हुई वहदत निस्बत वहदत एके तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। बहुत कहा जाता है हद बहुत बड़ा है, बेहद बहुत बड़ा है, बेहद के पार है, हमको तो कभी झलक ही नहीं मिल सकती। वाणी क्या कहती है? जिस आत्मा को किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है उस आत्मा के हृदय में अनंत परम धाम वास करता है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने एक बात कहनी शुरू कर दी, परम धाम तो परम धाम में है, यहाँ तो आत्मा के हृदय में कुछ नहीं हो सकता, क्यों तो सुरता है नजर भर है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब आप सोए रहते हैं तो आपके नेत्र की नज़र नहीं जाती है, क्योंकि आप तो गहरी निद्रा में होते हैं, आपको पता भी नहीं होता आपका नाम क्या है, कहाँ सो रहे हैं। लेकिन आपके मन की तरंगे सपने में कहीं जाती हैं, आपका रूप धारण करती है। उस सपने में आपका किसी से झगड़ा होता है, कोई चांटा मार देता है, तो उठने के बाद भी आप तमतमाए रहते हैं। कितने लोग तो सपने में बड़बड़ाते रहते हैं, बिस्तर छोड़ करके भाग उठते हैं, छोटे बच्चे गाली तक देने लगते हैं। क्यों? आँखों से देखा नहीं, जो सपना दिख रहा है सपने के बारे में सोचा नहीं, लेकिन जो चित्त का संस्कार है मन की तरंगों ने वैसा रूप धारण किया। वैसे ही जब मन की तरंगे नख से सिख तक का रूप धारण कर सकती हैं और आपके जीव को प्रत्यक्ष जागृति जैसा अनुभव हो रहा है, तो परात्म की नज़र जब इस खेल में आएगी तो परात्म का श्रृंगार लेकर के आएगी। जैसे आपका नाम मोहन है, तब सपना देखने लगेंगे तो सपने में भी मोहन ही कहलाएंगे। आपका असली तन दो आँख दो कान का है तो सपने में चार आंखें चार कान नहीं हो जाएंगे। जैसा आपका मूल तन है सपने में भी वैसा ही रहेगा, जैसे आपकी परात्म है उसका प्रतिबिंबित रूप आत्मा भी वैसे ही रहेगा। जो परात्म का अधिकार है वही आत्मा का अधिकार है, यही तो पर्दा पड़ा है। सुंदर साथ न अपना अधिकार जानता है, न कर्तव्य जानता है, केवल रोना जानता है, कटोरी लेकर भीख मांगना जानता है कि राज्य राज्य कुछ प्रेम दे दो, हमारी आत्मा जागृत हो जाए। राज्य हंसते हैं, जिसको बताने के लिए मैंने ये खेल रचाया, ब्रज दिखाया, रास दिखाया, जागने में इतने वर्ष गवाया, इनको जगाने के लिए मैं घर घर घुमा, मिहराज के तन में बैठकर सागर श्रृंगार की वाणी दिया, फिर भी इनका रोना बंद नहीं हुआ। इनके लिए मैं वहदत को यहाँ लेकर आया हूँ, संपूर्ण परम धाम को उनकी आत्मा के धाम हृदय में उड़ेल दिया हूँ। वहदत निस्बत खिलवत की हकीकत मार्फत को जानने का सुख जानने का अधिकार हमारा है, उसको सुख लेने का उत्तरदायित्व हमारा है, लेकिन हम स्वयं को अनाथ घोषित करने पर लगे हुए हैं, दीनहीन घोषित करने पर लगे हुए हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस राह में हमारा जीव भाव सबसे बाधक है। जीव भावना को हटा दीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे इन कथनों का दुरुपयोग हो जाए। जैसे एक महात्मा जी थे, किसी के घर जाते थे, कहते थे कि आज राज्य का आदेश है कि हलवा खाना चाहते हैं। हलवा राज्य नहीं खाना चाहते हैं, आपकी जीवा खाना चाहती है। परम धाम की बातों को जीव भाव में आप घटित नहीं कर सकते हैं। जहाँ जीव भाव घटित हुआ, शरीर पर केंद्रित हुआ, ये वहदत खिलवत निस्बत हकीकत मार्फत सब समाप्त हो जाएगी।
और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, अपने अंतर चक्षुओं को परात्म से जोड़ा, युगल स्वरूप के दिल से जोड़ा, तो आपको लगेगा कि वो खेले प्रेमे पार पियासो देखन कुतन सागर माई। आपकी आत्मा परम धाम के वहदत का यही परिस्मान कर सकती है, खिलवत की हकीकत और मारिफत का रिस्मान कर सकती है, निस्बत की हकीकत और मारिफत का रिस्मान करती है। सागर की वाणी तो हमें इतना कुछ देती है, और इश्क का जो ये प्रकरण है पांचवा, सागर पूरन गहरा गुज गंभीर। इश्क का सागर है पांचवा सागर, छठा सागर इल्म का सागर है। इश्क है तो इल्म है। यदि आपके हृदय से श्रद्धा समर्पण विरह प्रेम के भाव नहीं रहेंगे तो आपकी बुद्धि चौपाइयों को रट रट कर शुष्क हृदय वाली बन जाएगी, और शुष्क हृदय एक अभिशाप है। एक रेगिस्तान में कहीं झरना नहीं बहता, बालू तो चमकती रहती है, हरियाली नहीं दिखाई देती। इसलिए ज्ञानवान तो बनिए, लेकिन ज्ञानवान बनने के साथ भक्तिमान भी बनिए। पहले राज्य के चरण कमलों को अपने हृदय में बसाने के लिए प्रतिबद्ध होइए, आपके साथ साथ ज्ञान भी चलेगा। अटूट श्रद्धा और समर्पण का लहलाता हुआ वृक्ष भी आपके साथ रहेगा, विरह के फूलों की सुगंध भी आपके साथ रहेगी। इसलिए आप ऐसे उपवन में रहिए जिसमें इल्म भी हो और इश्क भी हो, दोनों को एक साथ, क्योंकि एक ही पक्षी के दोनों पंख हैं। इल्म नहीं होगा तो ईमान नहीं आएगा, और इश्क नहीं होगा तो आपके अंदर इल्म भी यथार्थ रूप से नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको बुद्धि मिली है वो माया की बुद्धि है, और माया भी, माया में कोई भी 10% से अधिक अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए हमें वाणी का कितना भी ज्ञान हो जाए उसको राज्य के चरणों में सौंप देना होगा। हमें कभी यह अहंग नहीं लेना होगा कि हम इतने बड़े विद्वान हैं। अपनी विद्वता को, अपने सौंदर्य को, अपनी शक्ति को, अपने ऐश्वर्य को सब कुछ समाप्त कर दीजिए राज्य के प्रेम की अग्नि में। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि इल्म अहंकार देता है। इल्म अहंकार नहीं देता, इल्म तो अहंकार का नाश करता है। जो अधूरा ज्ञान है वहाँ अहंकार पैदा होगा। यदि यथार्थ बोध हो जाए कि राज्य का ही इल्म तो वाणी में है जो हमने ग्रहण किया है, राज्य का ही प्रेम तो हमारी आत्मा के हृदय में है, राज्य का ही प्रेम परात्म के अंदर है, सब कुछ उनका है और हम भी उनके हैं, उनके हैं ही नहीं, हम भी वही है जो वह है। यदि आपकी आध्यात्मिक मंजिल यहाँ तक पहुँच जाएगी तो फिर कोई द्वंद्व रहेगा ही नहीं, और आपके लिए 24 घंटे इश्क का सागर लहराते हुए दिखाई देगा। इश्क के सागर की महिमा को तो हम बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं, लेकिन इश्क हमें कैसे पैदा हो हमारे लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि इश्क यदि आ गया तो कुछ बाकी नहीं रह गया। प्रेम बिना इश्क बिना मैं भई बिरानी, इश्क बिना दुल्हा मैं रानी। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि राज जी इश्क के बिना तो मेरा जीवन वीरान है, उस सुने रेगिस्तान की तरह है। आप देखेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी में अपने शशि और पूनम का किस्सा पढ़ा है। शशि और पूनम उस रेगिस्तान में एक दूसरे के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देते हैं। हम भी माया के उस झूठे रेगिस्तान में आए हैं। शशि और पूनम तो पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। शशि ने पहले प्राण छोड़ दिया होता है पूनम के वियोग में तड़पते तड़पते, पूनम उसके वियोग में तड़पते तड़पते प्राण छोड़ देता है। हमें अपने प्राण नहीं छोड़ना है। इस वीरान रेगिस्तान में जहाँ अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला की कोई पहचान कराने वाला नहीं है, इस वीरान रेगिस्तान में हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाना है, परम धाम के ज्ञान को बसाना है। अटूट श्रद्धा समर्पण के पंख लगाकर, प्रेम और ज्ञान के पंख लगाकर परम धाम के 25 पक्षों और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में उड़ान भरनी है। फिर कोई बंधन नहीं रह जाएगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमारी आत्मा के ऊपर फरामोशी का आवरण पड़ा हुआ है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सुंदर साथ बार बार ये रट न लगाए कब प्रलय होगा कब प्रलय होगा।
आप इस खेल को वैसे से समझिए, कभी खेल होना है, अचानक खिलाड़ियों को कोई अच्छी चीज ऐसी मिल गई जिसमें उनका मन डूबा हो। उदाहरण के लिए बच्चे को पढ़ने के लिए कहना है कि पढ़ो, यदि उसके सामने टीवी चल रही होगी तो कहेगा कि 2 मिनट और देख लेता हूँ फिर मैं किताब खोलता हूँ। आपको भी यही समझना है, मूल स्वरूप ने जो समय लिया है प्रलय करने का वह करेंगे, वह आपका विषय नहीं है। आपके लिए तो सुनहला अवसर है कि राज्य के दिल में डुबकी लगाइए और जिन रहस्यों को आप परम धाम में नहीं जान सके थे, जिस लक्ष्य को संसार का कोई भी ऋषि मुनि आज तक प्राप्त नहीं कर सका था, यानी स्वलीला अद्वैत क्या है। शब्दों से इसके बारे में कल्पना केवल की गई थी कि तत्र कह मोह कह शोका यो एकत्वम अनुपस्यत, जो सभी प्राणियों में एक चेतना को देखता है उसको मोह और शोक नहीं होता। आपको तो प्रत्यक्ष क्रियात्मक रूप में आने का अधिकार मिला है, दुनिया इसके के बारे में कुछ नहीं जानती थी। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सिष्ट ला इत, ए प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दुनी में कित, ब्रज की लीला से प्रेम की झलक मिलनी शुरू होती है इस संसार को, रास में विलास देखा और जागने की लीला में प्रेम के मार्फत के रहस्यों को समझने का अधिकार जानने का अधिकार मूल स्वरूप ने हमें दिया है। इसलिए ब्रह्मवाणी ने आपको वह शोभा प्राप्त कराती है जिसका एहसास समस्त सुंदर साथ को आज भी नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड चल रहा है आपका हर क्षण सकारात्मक भाव में जाना चाहिए। आप यह लक्ष्य बनाइए कि शरीर छूटने से पहले राज्य के दिल में डुबकी जरूर लगाना है, दर्शन तो हो जाएंगे। मुझे विश्वास है जो प्रतिदिन वाणी पढ़ता है, 1-2 घंटे राज्य का ध्यान करता है, उसको शरीर छूटने से पहले हर स्थिति में राज्य को दर्शन देना पड़ेगा। लेकिन बहादुरी तब है जब शरीर की उम्र बहुत ज़्यादा बाकी बची हो, तभी राज्य मिलें ताकि हमारे लिए अवसर मिल जाए उनके दिल में डुबकी लगाकर उनके दिल को मत डालने का, मापने का, जो परम धाम में नहीं कर सके थे किसी ने नहीं किया, इस जागनी ब्रह्मांड में हमें करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। अहंकार से नहीं, हमारा कर्तव्य है। और यह प्रेम की बलवेदी पर जो जितना अपने को लुटाता है वह उतना ही अधिक लूटता है। इंद्रावती ने स्वयं को लुटाया, इसलिए राज्य के दिल पर उनका अधिकार हुआ। 6ठे दिन की लीला में सबके लिए आह्वान है, केवल ये इंद्रावती का विषय नहीं, आप सबका भी विषय है। आप भी अपने ईमान में हिमालय की चोटी की तरह ईमान रखिए, अटूट प्रेम रखिए। जब तक खेल चल रहा है हर दिन हर पल हर रात आपकी कीमती है। तुम सियाने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसलाग, पाँव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, आपके लिए मैंने मार्फत का दरवाजा खोल दिया है। परम धाम के सुखों का रसपान करने का अधिकार आपको दिया है। निस्वत का सागर, वहदत का सागर, शोभा श्रृंगार का सागर, नूर का सागर, इश्क का सागर, इल्म का सागर, सबका रसपान आप कर सकते हैं। और यहीं बैठे बैठे निस्वत वहदत खिलवत हकीकत मारिफत जिसके लिए खेल चला था, खेल बनाया गया था, सब में प्रवेश कर आप अपनी परात्म में उठ सकते हैं। कहेंगे कि राजी आपने केवल शेर भर सूत काटने को कहा था, मेरा परीक्षा फल देखिए। आप यही कहेंगे तुमने 1.25 शेर से भी ज़्यादा सूत काट लिया है। आप 100 ग्राम सूत काटने की प्रतीक्षा मत कीजिए, यदि राजी 100 शेर भर कहते हैं 1.25 शेर का संकल्प लीजिए। पतिव्रता वह है जो प्रीतम जितना कहता है उससे अधिक प्रेम करके दिखाए, तब तो आपकी बहादुरी। आप रोने वाले मत बनिए, निस्बत का अधिकार लेने वाले बनिए। आप संसार के लिए राज्य से कुछ न मांगिए, कभी मन्नत नहीं, कभी पाठ रख करके मत मांगिए। सुंदर साथ तो दुर्भाग्य से राज्य के पाठ के नाम पर 21,000 भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके बदले वह राज्य से कुछ वसूलेगा। आप राज्य से नारियल और मिठाई और साल दुसाले देकर कुछ वसूलिए नहीं, अपना हृदय लुटा दीजिए, फिर देखिए
वो भी आप पर अपना हृदय तो पहले ही लुटा चुके हैं। वो तो कहते हैं ल्याओ प्यार करो दीदार, मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट हूँ। यह सागर की वाणी सब कुछ कहती है। आवश्यकता यह है हम इस ब्रह्मवाणी के एक एक कथन को अंगीकार करें, तब ऐसा लगेगा कि हमने जागने के ब्रह्मांड का एक एक पल सार्थक किया है। इसलिए महाप्रलय की जिद मत मचाइए, जो आपको कार्य सौंपा गया है उसको क्रियान्वित करने में अपने एक एक पल का सदुपयोग कीजिए। जिसने खेल बनाया है उसको मालूम है कि खेल कब खत्म करना है। आपको मूल स्वरूप ने जो वाणी में कहा है उनके निर्देशों का पालन कीजिए, इसी में आपका सुख है और सब सुंदर का साथ का सुख है। अब चौपाई दोहराए। ए सुख सागर पांचमा, ईशक सागर दिलहक, पहले चार देखे सागर, कोई नाहक दिल माफक, कोई नाहक दिल माफक। बोलो श्री प्राणनाथ।